हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चंद्रशेखर सेन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के ई वीडियो लेक्चर में हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ई वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो देखिए, स्टेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है स्थिरता, यानी कि कोई भी मशीन है वो विषम परिस्थितियों में भी कितनी स्थिर रह सकती है, वो उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है। इट मीन्स किसी भी मशीन की वो एबिलिटी जिससे वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए अगर कोई डिस्टर्बेंस उसकी सिस्टम में आते हैं, तो उन डिस्टर्बेंस को वो सहन करके वापस अपनी नॉर्मल स्थिति में अगर कोई मशीन आती है तो उसको साधारण लैंग्वेज में स्टेबिलिटी का नाम दिया जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमारी सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, ये सिंक्रोनस मशीन का स्टेटर है और ये रोटर है। तो बेसिकली इसके ऑपरेशन में होता है क्या, हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट होता है जिसको हम स्टेटर फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है, और रोटर के अंदर एक फ्लक्स जनरेट होता है जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ रोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फ्लक्स है, सिंक्रोनस मशीन में दोनों फ्लक्स सेम स्पीड से रोटेट करते हैं। इट मीन्स इनकी रिलेटिव स्पीड 0 होती है, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम स्पीड से, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम में क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं, कुछ स्मॉल डिस्टर्बेंस आते हैं और कुछ लार्ज डिस्टर्बेंस आते हैं, जैसे कि सडन चेंज इन लोड में अचानक से चेंज हुआ, स्विचिंग हुई, स्विच यानी कि हमने किसी फीडर को ऑन किया ऑफ किया जिससे लोड चेंज होता है, या सडन शॉर्ट सर्किट अमंग द लाइन्स, बहुत सारे जो लाइन्स है उसके अंदर अचानक से शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, अर्थ फॉल्ट हो गया, तो इन वजह से क्या होता है कि सिस्टम में डिस्टर्बेंस आते हैं। तो ये सब डिस्टर्बेंस आएंगे तो ये सब सारे डिस्टर्बेंस रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे रोटर को। तो रोटर और स्टेटर का जो फ्लक्स है दोनों अभी हमारे सेम स्पीड से घूम रहे थे, लेकिन इस डिस्टर्बेंस आने के बाद ये जो रोटर है ये स्टेटर फील्ड से थोड़ा अल्फा एंगल पीछे हो जाता है, उससे हम कहते हैं लोड एंगल। अगर वो लोड एंगल एक लिमिट तक बढ़ता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटर हमारी स्टेबल होगी, मशीन हमारी स्टेबल होगी, लेकिन वो लोड एंगल अगर एक लिमिट से आगे चला जाए तो उस केस में हमारी जो मशीन है वो अनस्टेबल होगी, यानी मशीन धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर देगी और मशीन हमारी बंद हो जाएगी। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में मैंने बताया। अब इसको हम स्टेबिलिटी को डेफिनेशन में कैसे समझते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ स्टेबिलिटी को हम कहते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू डेवलप द रिस्टोरिंग फोर्स। किसी भी पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी एबिलिटी, उसकी समर्थता है टू डेवलप द रिस्टोरिंग फोर्स, कि कितना वो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करती है। रिस्टोरिंग का मतलब वापस अपनी अवस्था में आने वाला फोर्स डेवलप करती है। इक्वल टू और ग्रेटर देन, या तो ज़्यादा या उसके बराबर, किसके बराबर, द डिस्टर्बिंग फोर्सेस, जो भी सिस्टम के अंदर डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट होते हैं, या तो उनके बराबर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर ले या उससे ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर ले, जिससे वो अपनी मेन जो स्टेट है, अपनी जो नॉर्मल स्टेट है उसको वो मेंटेन कर सके, तो वो उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन ये है इसकी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम। देखिए हर बार वही है कि एबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम की जो समर्थता है, फॉर गिवन इनिशियली ऑपरेटिंग कंडीशन टू रिगेन ए स्टेट ऑफ ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू द फिजिकल डिस्टर्बेंस विद द मोस्ट सिस्टम वेरिएबल बाउंडेड सो दैट प्रैक्टिकली द एंटायर सिस्टम रिमेन इंटैक्ट। तो इस पूरी डेफिनेशन का मतलब यही है कि अगर हमारे सिस्टम में किसी तरह की फिजिकल डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मशीन है वो वापस अपनी नॉर्मल जो अवस्था है उसको रिगेन कर ले, वो उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है, ठीक है।
अब स्टेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ हम देखेंगे स्टेबिलिटी हम पढ़ेंगे दो प्रकार की। तो एक पहली जो स्टेबिलिटी होती है वो कहलाती है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, और दूसरी जो है वो कहलाती है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो दो तरह की स्टेबिलिटी है। अब यहाँ हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की। तो देखिए स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिगेन द नॉर्मल एंड स्टेबल ऑपरेशन, कि सिस्टम की ऐसी एबिलिटी है कि वापस वो रिगेन कर ले अपना नॉर्मल और स्टेबल ऑपरेशन को मेंटेन कर ले आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू द स्लो चेंजेस इन लोड। कितना स्लो चेंजेस, अगर किसी भी सिस्टम में बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं लोड के अंदर, और इन लोड जो कम चेंजेस आ रहे हैं स्मॉल चेंजेस आ रहे हैं लोड के अंदर, उसको सहन करके वापस वो अपना सिंक्रोनस स्पीड गेन कर लेती है, तो वो कहलाती है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। आप यहाँ दो बातें ध्यान रखिए कि सिस्टम में दो तरह के डिस्टर्बेंस आते हैं, एक तो होता है स्मॉल डिस्टर्बेंस और दूसरा होता है लार्ज डिस्टर्बेंस। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करते हैं, जब लोड पर जब किसी मशीन के ऊपर या मशीन के रोटर के ऊपर बहुत कम चेंजेस आते हैं लोड के अंदर, तो क्या होता है वो अपनी जो लोड एंगल को पहले तो इंक्रीज करता है, लेकिन फिर वापस अपनी अवस्था में अगर वो गेन कर लेता है तो वो कहलाएगा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो इसमें हम जैसे कि स्लो चेंजेस का मतलब होता है जैसे नॉर्मल लोड फ्लक्चुएशन, लोड में फ्लक्चुएशन जो आते रहते हैं उससे क्या चेंजेस आता है, और एक्शन ऑफ ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो इनकी ये बहुत छोटे स्लो चेंजेस है जो कि मशीन पे आते हैं। अब बेसिकली स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में क्या होता है, इट इज़ द स्टडी विच इम्प्लाइज द स्मॉल और ग्रेजुअल चेंज। जैसे मैंने बताया आपको कि ये स्टडी करते हैं इसके अंदर हम किसकी, जो स्मॉल चेंजेस आते हैं या ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं इन वर्किंग स्टेट ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम हमारा वर्किंग स्टेट में है तो जो मशीन के ऊपर स्मॉल चेंजेस आते हैं उसकी स्टडी अगर करनी हो तो हमें स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में पता होना है। या फिर दूसरा है, इट इज़ द पर्पज टू डिटरमाइन द हाइएस्ट लिमिट ऑफ लोडिंग ऑफ मशीन बिफोर गोइंग टू लूज द सिंक्रोनिज्म। ठीक है, द लोड इज इंक्रीज स्लोली। तो इसका मतलब है कि अगर कोई सिस्टम है हमारा, मशीन है हमारी, हम यहाँ देखिए सिंक्रोनस मशीन की बात करेंगे, अल्टरनेटर जो होते हैं उसकी बात करते हैं, मोटर की बात करते हैं, तो अगर किसी भी सिंक्रोनस मशीन पे हम लोड को बढ़ाते जाते हैं, लोड को इंक्रीज करते जाते हैं, तो क्या होगा कि रोटर हमारा लोड एंगल बढ़ेगा, रोटर का लोड एंगल बढ़ेगा, और लोड एंगल अगर बढ़ता 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 इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद वो अनस्टेबल कंडीशन मान जाता है। ठीक है, तो उसकी हायर लिमिट कहलाती है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द हाईएस्ट लिमिट ऑफ लोडिंग, कि हम किसी मशीन पे कितना लोड डाल सकें, कितना लोड डालें कि वो सिंक्रोनिज्म को लूज नहीं करे और वो सिंक्रोनाइजेशन में चलती रहे। उसकी लिमिट अगर पता करनी है तो हमें स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में पता करना होता है। अब मैं बताता हूँ किस तरह लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए द हाइएस्ट लिमिट विच कैन बी ट्रांसफर टू द रिसीविंग एंड ऑफ द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग द सिंक्रोनिज्म इज टर्म एज स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो कोई भी सिस्टम के अंदर जो हाइएस्ट पावर ट्रांसफर हो सकती है बिना सिंक्रोनिज्म को लूज किए हुए, वो उसकी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट कहलाती है। सपोज जैसे कि ये एक सिस्टम मैंने डिज़ाइन कर रखा है, ये हमारा जनरेटर है और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और ये हमारा रिसीविंग एंड्स है। तो यहाँ पावर जो हम ट्रांसफर करेंगे उसकी वैल्यू होती है PE इज इक्वल टू EV अपॉन XD साइन डेल्टा। यहाँ पर जो डेल्टा है वो उसका लोड एंगल है। तो हमने लोड एंगल और पावर के बीच में यहाँ ग्राफ बनाया जो इस तरह से ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। तो यहाँ हम देखेंगे किसी सिस्टम में जैसे जैसे मैं लोड इंक्रीज करता हूँ, तो लोड इंक्रीज करूँगा तो लोड एंगल मेरा बढ़ेगा, तो मुझे पावर इनपुट भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लोड एंगल मेरा बढ़ रहा है, मैं पावर इनपुट बढ़ाता जा रहा हूँ और पॉइंट ए पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद फर्दर मैंने लोड को इंक्रीज किया तो मेरा पावर इनपुट बढ़ेगा और लोड भी मेरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब मैंने फर्दर अगर लोड एंगल को इंक्रीज कर दिया तो मेरा पावर तो बढ़ गया, लेकिन अब इस केस में पॉइंट सी पर अगर मैं और भी अगर लोड को इंक्रीज करूँगा तो मेरा लोड एंगल है डेल्टा है वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरी पावर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ पर पावर हमारी डिक्रीज होना शुरू हो रही है वो पॉइंट हमारा स्टेडी स्टेट लिमिट कहलाती है,
कि इस लिमिट से बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और इस सिस्टम इस पॉइंट के हम अंदर रहेंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। तो ये स्टेडी स्टेट लिमिट है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है, हमको ये लिमिट के बारे में जानकारी देती है कि मैं मेरी मशीन पर कितना लोड दे सकता हूँ। ठीक है, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, यहाँ देखिए जैसे कुछ कंडीशन है। कंडीशन फॉर द सिस्टम स्टेबिलिटी, इफ डी पी ई अपॉन डी डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि चेंज इन पावर विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा इज पॉजिटिव, जीरो से ज़्यादा इसका मतलब पॉजिटिव है। तो इस केस में देखिए कि जो चेंज इन पावर विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा पॉजिटिव है, यानी जैसे जैसे डेल्टा बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर बढ़ रही है, तो हमारा सिस्टम कहलाएगा स्टेबल। सेकेंड केस है, इफ द डी पी ई अपॉन डी डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, अगर एक तरह डी पी यानी जैसे जैसे समय जैसे जैसे मैं लोड एंगल में चेंज करता हूँ मेरी पावर चेंज नहीं होती यानी कॉन्स्टेंट होगी, तो ये जो पॉइंट मेरी लिमिट कहलाती है। ठीक है, या यहाँ बोलेंगे हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी होगा, यानी वो ऑसिलेट करेगा एक ही जगह पे। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी या लिमिट कहलाएगी। थर्ड पॉइंट जो मेरा ये है वो दर्शाता है कि डी पी ई अपॉन डी डेल्टा इज लेस देन जीरो, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हम यहाँ देखते हैं कि अब मैं फर्दर लोड एंगल को चेंज कर रहा हूँ लेकिन मेरी पावर बढ़ने की बजाय अब मेरी पावर घट रही है, नेगेटिव हो रही है। ठीक है, तो ये जो केस है उस केस को हम बोलेंगे अनस्टेबल। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन जिससे हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा, ऑसिलेटरी होगा या अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो जब हमारा लोड एंगल 90 होगा उस समय जो हमारा सिस्टम है वो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट जो लिमिट है उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ दिखाए हैं। देखिए कि सिस्टम ऑपरेट बियॉन्ड द स्टेडी स्टेट लिमिट, तो जो हमारा सिस्टम है वो हमें सी पॉइंट से पहले पहले तक ही हमको ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। लाइन्स है, लाइन्स का जो रिएक्टेंस है वो कम होना चाहिए, ईएमएफ है वो बढ़ना चाहिए, और इनके जो वोल्टेज है उसका वो हम बढ़ा के रखते हैं। यूज़ द पैरेलल लाइन, रिएक्टेंस को कम करने के लिए हमें पैरेलल लाइन का यूज़ करना पड़ता है। सीरीज कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन कंपनसेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो इन सब की सहायता से हम स्टेडी स्टेट लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं या इनको मेंटेन कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड टाइप ऑफ स्टेबिलिटी था वो है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हम स्टेबिलिटी में दो तरह के डिस्टर्बेंस के बारे में बात करते हैं। स्मॉल डिस्टर्बेंस है तो हम स्टेडी स्टेट लिमिट की या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर सिस्टम में लार्ज डिस्टर्बेंस है तो उस समय हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखिए ये है, द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू रिटर्न और रिगेन टू स्टेबल कंडीशन एंड मेंटेन इट्स सिंक्रोनिज्म फॉलोइंग द रिलेटिवली लार्ज डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ लिखा लार्ज डिस्टर्बेंस और स्टेडी स्टेट में था स्मॉल डिस्टर्बेंस, पर इतना ही अंतर है केवल। ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द वेरी वेरी जनरेटर सिचुएशन लाइक स्विचिंग ऑन और ऑफ क्लियरिंग द फॉल्ट्स। तो ये कुछ सिस्टम के डिस्टर्बेंस है, अगर वो लार्ज डिस्टर्बेंस सिस्टम में आते हैं और फिर भी हमारा सिस्टम उसको मेंटेन करके चलता है तो उसकी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कहलाती है। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, देर आर सम पॉइंट्स विच वी कैन से दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। नंबर वन इज द इम्प्रूव्ड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो अगर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम इम्प्रूव कर देंगे तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा, हाई स्पीड फॉल्ट क्लियरिंग। तो हमें जो सिस्टम में फॉल्ट आते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि फॉल्ट को कुछ ही माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड के अंदर ही उसको क्लियर कर दे ताकि हमारा सिस्टम वापस हेल्थी बन जाए। द हाई स्पीड रिक्लोजर द ब्रेकर, सिस्टम में फॉल्ट आता है तो ब्रेकर हमारे ऑफ हो जाते हैं तो उसके अंदर रिक्लोजर लगाने चाहिए हाई स्पीड ताकि सिस्टम को वापस से वो रिक्लोज कर सके। सिंपल पोल स्विचिंग्स यूज़ करने चाहिए। लार्ज मशीन इनर्शिया, लोअर ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, हायर गेन एक्साइटर, फास्ट वॉल्विंग और ब्रेकिंग रजिस्टर। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिस या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा कि क्या स्टेबिलिटी क्या होती है, क्या उसके टाइप्स है और किस तरह से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का मेन पॉइंट मेन पार्ट है कि एग्ज़ाम में अक्सर आता भी है, डिफाइन द स्टेबिलिटी एंड देयर टाइप्स।
तो हम ये उसके बारे में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे और पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मैंने लगभग पूरा कर दिया है, ठीक है। अब आप इसको अच्छी तरह पढ़ें। तो आज मैं यहीं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।